मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ सुबह गुजरात में नर्मदा सागर संगम स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज इस संगम स्थल पर आकर उन्हें आनंद और संतोष की अनुभूति हुई है। नर्मदा मैया के दर्शन कर संकल्प लिया कि नदियों का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ सागर और नर्मदा के संगम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, मैंने मां नर्मदा से मध्य प्रदेश के समृद्ध होने की कामना भी की है। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना के साथ ही कोरोना महामारी पूरी तरह समाप्त हो, यह भी प्रार्थना की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जी जिसके तट पर अनेक साधुओं, महात्माओं, ऋषियों ने तपस्या की, साधना की और मानवता को राह दिखाई, ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। नर्मदा जी से न सिर्फ पीने का पानी बल्कि सिंचाई और बिजली के उत्पादन का लाभ मिलता है। यह पवित्र रेवा हमारी आस्था का प्रतीक है। आज का दिन हमारे जीवन का अत्यंत सौभाग्य का दिन है। माँ नर्मदा मैया खंबात की खाड़ी में या समुद्र से मिलती है, वहाँ माँ नर्मदा के हमने दर्शन किए, संगम पर हम गए। अमरकंटक से निकली हुई नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की, गुजरात की जीवन रेखा है। वो साक्षात माँ है हमारे लिए, जो केवल जल नहीं देती, जिसके जल से खेतों में फसलें लहलहाती है, हमें बिजली मिलती है। जिस माँ रेवा के तट पर एक नहीं, अनेकों साधु संतों ने तपस्या करके मानवता को नया मार्गदर्शन दिया है, आज उस रेवा मैया के पवित्र संगम स्थल जहाँ मिली है समुद्र से आकर, हम धन्य हो गए। और माँ से यही प्रार्थना है, हे माँ, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण हो, आत्म भारत बने, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो। और यहाँ से एक संकल्प भी पैदा होता है, नदियों के संरक्षण का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प। माँ से यही प्रार्थना है कि ये सारे संकल्प हम पूरे करें। भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है, प्राणियों में सद्भावना हो तो विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यही मैया के चरणों में प्रार्थना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे जीवन का अत्यंत सौभाग्य का दिन है। नर्मदा मैया हमारे लिए साक्षात माँ है, आज यहाँ आकर धन्य हो गए और माँ नर्मदा से प्रार्थना की है कि माँ सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में भी यह कहा गया है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, आज यही प्रार्थना कर रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।